तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि वो सब पर्ल के लिए जिन को बोल रहे थे, तभी वहाँ स्कॉट आ गया था जिसने उन सबको कहा था कि अगर तुम जिन को मार दो तो तुम्हें वो पर्ल वापस से मिल जाएगा। जिसके बाद उन सब ने जिन के साथ बहस करी और एंड में टोनी, जो ज़ेनियन हॉल का यंग मास्टर था, उसने जिन के साथ लड़ने का फैसला किया। जहाँ लड़ते हुए टोनी थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, तो उसने अपनी वास्ट टेक्निक को इस्तेमाल करके अपने लेवल बढ़ा लिए, जिसकी वजह से वो जिन पे भारी पड़ रहा था। तभी जिन अचानक से खड़ा होकर कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ, अब आगे। तो पार्ट 36 की शुरुआत में जिन टोनी से कहता है कि भले ही तुम्हारी टेक्निक काफी अच्छी हो, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक मजाक है। ये सुनके टोनी गुस्से में बोलता है कि तुमने मेरी टेक्निक को डिस्ट्रॉय कैसे करा। जिस पे जिन कहता है कि तुम ये नहीं समझ सकते क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ, पर फिर भी आज मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। और ये कहने के बाद जिन अपनी ग्रेट ओशन लाइट फ्यूजन टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिसके बाद एक तेज रोशनी के साथ टोनी अचानक से एक जगह आ जाता है जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। साथ ही वो अपनी पावर्स भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से उसे जिन पे गुस्सा आता है। तभी जिन डरावनी आवाज में बोलता है कि ये तुम्हारा बहुत ही बुरा सपना है जिसमें तुम फंस गए हो। ये सुनके टोनी डरने लगता है। तभी टोनी को काइली और बाकी सब की आवाजें आती है, जो उसे कहते हैं कि टोनी एक लूजर है, इसलिए इसे मार दो। जिस पे टोनी बोलता है कि मैं ज़ेनियन हॉल का यंग मास्टर हूँ, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। उसी वक्त वो आवाजें और तेज हो जाती है, जिसकी वजह से टोनी बुरी तरह डर जाता है और बोलता है कि मुझे मत मारो। तभी जिन और टोनी बाहर आ जाते हैं, जहाँ टोनी पूरी तरह टूट चुका था। ये देखकर काइली सोचती है कि अचानक से क्या हो गया, अभी तो टोनी बिल्कुल ठीक था। तभी टोनी बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं लूजर नहीं हूँ। पर जिन उस पे एक छोटा सा अटैक करता है और उस छोटे से अटैक से ही टोनी हार जाता है। ये देखकर वहाँ खड़ा वो लीडर बोलता है कि जिन ने इतनी सी पावर से टोनी को कैसे हराया। तभी चार्ल्स कहता है कि बस थोड़े ही दिन में ये इतना ताकतवर कैसे बन सकता है। इधर जिन अपने मन में सोचता है कि मैंने उस टेक्निक को इस्तेमाल करके अपने माइंड पे पूरी तरह कंट्रोल रखा, जिसकी वजह से टोनी की ऐसी हालत हो गई और वो हार गया। तभी लियांगशान फैमिली का वो लड़का जिन से बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुमने अभी किसे हराया है, वो ज़ेनियन हॉल का यंग मास्टर था। जिसपे जिन बोलता है कि वो बस एक लूजर था और ऊपर से उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम थी, और अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो तुम सब मिलके मेरे साथ फाइट कर सकते हो। ये सुनके काइली वाला वो लड़का सोचता है कि जिन इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, क्या उसके पास अभी भी पावर्स बची है। तभी निकी की बहन सोचती है कि जिन के पास बहुत ज्यादा करेज है, मैंने उसे अंडर एस्टिमेट कर लिया था। इधर जिन अपने मन में कहता है कि मैंने अभी ज़ेनियन हॉल के एक मास्टर को हराया है, तो मुझे नहीं लगता कोई अब मुझसे लड़ने की हिम्मत कर पाएगा। तभी लियांगशान फैमिली का वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारे ही जैसे ताकतवर इंसान का वेट कर रहा था, इसलिए मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। उसी वक्त वो लीडर भी कहता है कि सभी लोग ज़ेनियन हॉल से डरते हैं, पर तुमने उसके यंग मास्टर को हरा दिया, इसलिए मैं भी इम्प्रेस होकर तुमसे लड़ना चाहूंगा। ये सुनके जिन थोड़ा घबरा जाता है। तभी एक और लड़का कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता था, पर मैं भी तुमसे आज लड़ना चाहूंगा। उसी वक्त निकी की बहन भी कहती है कि मैं भी तुमसे लड़ना चाहती हूँ और मैं होप करती हूँ कि तुम पहले जैसे ही लड़ोगे। उसी वक्त निकी जिन से कहती है कि इन सबको अपनी असली स्ट्रेंथ दिखा दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर इंसान हो। ये सुनके जिन अपने मन में सोचता है कि भले ही मैं कितना भी ताकतवर क्यों ना हूँ, लेकिन मैं एक साथ इन सबको नहीं हरा सकता, इसलिए वो उन सबको एक तरफ इशारा करके बोलता है कि देखो वहाँ पे कौन सा ट्रेजर है। तो वो लोग उसे देखने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जिन अपनी बॉडी स्पीड टेक्निक की मदद से वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर वो लोग बोलते हैं कि हमें इसे पहले ही पकड़ लेना चाहिए था, इसने हमें फिर से बेवकूफ बना दिया। इधर जिन भागते हुए बोलता है कि मैं बॉडी स्पीड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये लोग मुझे पकड़ ही नहीं सकते। इसके बाद जिन को याद आता है कि उसे उस घोष का कुछ खास सामान यहाँ से लेके जाना है। तभी भागते हुए जिन एक महल के पास पहुँच जाता है जो बहुत ही सुंदर लग रहा था, साथ ही वहाँ पे कोई था भी नहीं। तो जिन उस पैलेस के अंदर जाने लगता है, लेकिन पहली सीढ़ी पे कदम रखते ही एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ लगी दो शेरों की मूर्ति एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर जिन कहता है कि मुझे लगता है कि ये वैसा ही इल्यूजन है जिसमें मैं पहले फंस गया था। तभी उनमें से एक मूर्ति जिन पे अटैक करती है, पर जिन उनसे बच जाता है और सोचता है कि इस मूर्ति के पास ऐसी टेक्निक कैसे है। इसके बाद जिन उस मूर्ति पे अटैक करता है, लेकिन वो मूर्ति शील्ड बना के बच जाती है और जिन पे अटैक करती है। तो जिन उसे अपनी पावर से रोक के सोचता है कि ये मूर्ति पहले वाले स्टैचू से बहुत ज्यादा ताकतवर है, पता नहीं ये कैसे पॉसिबल है। अब जिन उन मूर्तियों पे अपनी 1000 sword टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो मूर्तियां टूट कर गिर जाती है। जिनके अंदर देखने पे जिनको पता चलता है कि उन मूर्तियों के अंदर ही वो फॉर्मेशन था जिसकी वजह से ये इतनी ताकतवर
सॉफ्टवेयर थी, तभी वहाँ चार्ल्स आ जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।